जी, आज का क्वेश्चन है हमारा कि इन बैक्टीरिया हाउ आर ऑल थ्री स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कैटलाइज्ड बाय अ सिंगल आरएनए पॉलीमरेज। यानी कि बैक्टीरिया के बारे में बोला है कि हाउ आर ऑल थ्री स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कैटलाइज्ड बाय सिंगल आरएनए पॉलीमरेज। सिंगल आरएनए पॉलीमरेज यानी कि जो कि एक एंजाइम है पॉलीमरेज, वो किस तरीके से यहाँ पर तीन ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप्स को फॉलो करता है, उसके बारे में यहाँ पर ये पूछा गया है। तो जो आज का ये क्वेश्चन है, 2 नंबर का प्रश्न है, तो आप कम से कम 2 पॉइंट्स में तो आंसर लिखेंगे ही, ये बात आप मान लीजिए। पहली चीज, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो पहली चीज यहाँ पर ये है कि मैं लिख ही देती हूँ, पॉलीमरेज ये किस बात के लिए कैपेबल है? ये कैपेबल है कैटलाइजिंग प्रोसेस के लिए। ठीक है, जो भी एलोंगेशन प्रोसेस हो रही है यानी कि अभिवृद्धन की जो प्रक्रिया हो रही है, उस एलोंगेशन प्रोसेस को कैटलिस करने के लिए, कैटालिसिस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर हो गया, पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। 3 स्टेप हमें लिखने थे जनरली पूछा है जो। फिर ये क्या करता है, ट्रांसिएंटली एसोसिएशन करता है। ठीक है, किसके साथ ये एसोसिएशन करता है? इनिशिएशन फैक्टर्स के साथ, यानी कि जिनको क्या बोला जाता है, सिग्मा फैक्टर, जिनको बोला जाता है सिग्मा फैक्टर। फिर से रिपीट करती हूँ, ये एसोसिएट करता है ट्रांसिएंटली किसके साथ, सिग्मा फैक्टर के साथ। और किसके साथ, ये रो फैक्टर के साथ, दो फैक्टर के साथ इसका एसोसिएशन यहाँ पर होता है। ठीक है, रो फैक्टर मतलब टर्मिनेशन जो है, और इनिशिएशन फैक्टर क्या है हमारा, सिग्मा फैक्टर, और ये वाला फैक्टर हमारा क्या होता है, टर्मिनेशन फैक्टर। इतना तो आपको पता ही होगा, मैं फिर भी लिख दे रही हूँ। जो रो फैक्टर होता है वो टर्मिनेशन फैक्टर होता है, सिग्मा फैक्टर आपका इनिशिएशन फैक्टर होता है। ठीक हो गया, इन लिखा था यहाँ मैंने। अब रही बात, और टर्मिनेट करेगा किस चीज को, ट्रांसक्रिप्शन को रिस्पेक्टिवली यहाँ पर क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो कैपेबल है एलोंगेशन प्रोसेस को कैटलाइजिंग करने के लिए। क्लियर, ये किसके साथ एसोसिएट हो रहा है, दो फैक्टर के साथ एसोसिएट हो रहा है, एक सिग्मा फैक्टर के साथ और एक रो फैक्टर के साथ। ठीक है, किस लिए, इनिशिएशन के लिए उनके साथ एसोसिएट हो रहा है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं से तो अपना उसे कहीं ना कहीं से तो अपना इनिशिएशन करना ही पड़ेगा, खुद को इनिशिएट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब जब इनिशिएशन होगा तो टर्मिनेशन भी होगा, क्योंकि दोनों फैक्टर है तो दोनों फैक्टर अपना अपना काम करेंगे। तो ये क्या करेगा, टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन, जितना ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उस ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट करने का भी काम करेगा। तो हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन यही था कि इन बैक्टीरिया हाउ आर ऑल थ्री स्टेप्स और ट्रांसक्रिप्शन कैटलाइज्ड बाय अ सिंगल आरएनए पॉलीमरेज। तो आपको ये आंसर मैंने दे दिया है।